वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन 3 मिनट्स। आज हम आपको ले चलेंगे वन ऑफ द लेस एक्सप्लोर्ड यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर क्रोएशिया को अपनी बकेट लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट में शामिल करेंगे। इंडिया से क्रोएशिया का फ्लाइंग टाइम 12 से 14 घंटे का है। क्रोएशिया का समय इंडिया से 3 घंटा 30 मिनट पीछे है। क्रोएशिया जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को या तो क्रोएशियन टूरिस्ट वीजा लगवाना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री शेंजन वीजा है तो आप क्रोएशिया जा सकते हैं। क्रोएशिया एक सीजनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए मई से अक्टूबर के बीच क्रोएशिया जाना ही हम आपको सजेस्ट करेंगे, जिस समय सारे अट्रैक्शंस अवेलेबल होंगे। पीक सीजन जुलाई अगस्त अवॉइड किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं क्रोएशिया में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। क्रोएशिया में जहां तक हो सके टैक्सीज और रेलवेज अवॉइड करें और बस में ट्रैवल करें, क्योंकि यहां का बस नेटवर्क काफी वेल प्लान्ड है। हालांकि होटल सिटी सेंटर में चूज करें, लेकिन सिटीज के बाहर जाकर आइलैंड्स और स्मॉल टाउन्स एक्सप्लोर करना क्रोएशिया में ट्रैवल करने का सही तरीका है। मस्कीटो रिपेलेंट साथ कैरी करें, लाइट बैग्स पैक करें और हो सके तो सूटकेसेस की जगह बैकपैक लेकर जाएं। ऐसे ही काफी सारी हेल्पफुल टिप्स आप पा सकते हैं अंत की फैक्ट शीट में। चलिए आपको बताते हैं क्रोएशिया में कौन सी सिटीज और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट आपको जाना चाहिए। ज़ाग्रेब द कैपिटल सिटी, जो क्रोएशिया के बसलिंग कल्चर का सेंटर है। टूरिस्ट के बीच मशहूर डब्रोवनिक सिटी गेम ऑफ थ्रोन शो के किंग्स लैंडिंग लोकेशन की फिल्मिंग के बाद वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज बन चुकी है। डालमेशियन कोस्ट पर स्थित स्प्लिट शहर अपने बीचेस और फोर्ट्रेसेस के लिए विजिट किया जाता है। प्लिटवाइस नेशनल पार्क विजिट करना न भूलें। स्प्लिट शहर का द डियोक्लेशियन पैलेस एक पॉपुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। प्यूला में पाया गया प्यूला अरीना एक रोमन एम्फीथिएटर है, जो रोम के द कोलोजियम को टक्कर दे सकता है। फिर है स्प्लिट के पास स्थित वार, जो एक रिजॉर्ट आइलैंड है। ज़ाग्रेब की शान द सेंट मार्क्स चर्च जरूर जाएं। और हालांकि ज़ाग्रेब एक्सक्विजिट म्यूजियम्स से भरा है, लेकिन द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप बिल्कुल मिस ना करें। डब्रोवनिक के सिटी सेंटर में द ओल्ड वॉल्स देखें, लोव्रिए नेट्स फोर्ट्रेस घूमें, यहाँ की मेन स्ट्रीट स्ट्रैडम ऑफ डब्रोवनिक जरूर देखें। क्रोएशिया में यह डिशेस आपको ट्राई करनी चाहिए। पेका, जो क्रोएशिया की एक सिग्नेचर डेलिकेसी है, ज़ागोर्स्की स्ट्रूकली चीज पेस्ट्री, फूटजी नाम का पास्ता, सुपार्निक सेवरी पाए, पुनेने पेपरिके, जो कि स्टफ्ड पेपर है, अरांचिनी कैंडिड ऑरेंजेस, क्रोशटोल फ्रिटूले और लास्टली रैब केक। क्रोएशिया में आप यह सारी चीजें सोवेनियर्स के तौर पर ला सकते हैं। क्रेविट नाम की टाई या नेक बैंड, ट्रेडिशनल क्रोएशियन लेस, क्रोएशियन कॉफी, चीज एस्पेशली जो पेग आइलैंड में बनी है, मेराशिनो चेरीज और लिकर, लिशिटार हार्ट्स। चलिए अब आपको बताते हैं क्रोएशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्रोएशिया ने काफी सारे इन्वेंशंस दुनिया को दिए हैं, जैसे नेकटाई, MP3 प्लेयर और पैराशूट्स। डालमेशियन ब्रीड के डॉग्स क्रोएशिया के डालमेशिया रीजन से आए थे। यूनेस्को के साथ रजिस्टर्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रैक्टिसेस गिनी जाएं, तो क्रोएशिया के वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट सबमिशंस हैं, जिनमें से कुछ है जिंजरब्रेड क्राफ्ट और लेस मेकिंग। छोटा सा देश होने के बावजूद क्रोएशिया का 10% एरिया नेचर और नेशनल पार्क्स को डेडिकेटेड है। इस फैक्ट शीट का स्क्रीनशॉट लेना न भूलें।
अगर इस वीडियो ने आपको क्रोएशिया जाने के लिए इंस्पायर किया है तो बुकिंग्स की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर एक मैसेज ड्रॉप करें जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। नेटसार की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आई एम श्योर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेटसार की ओर से थैंक यू।